हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो गाइस देखो यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं क्या हुआ, पूरी गाड़ी घुस गई अंदर। ओ शिट, ये यहाँ पर देखो क्रेन गिरी हुई है, ये एक और एक्सीडेंट मिला। देखो ये यहीं पर हुआ है, देखो ये कांच वगैरह पड़ा है यहाँ पर। ये बहुत लंबा जाम लग चुका है, आगे रोड की कटिंग चल रही है। नगर निगम पालमपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। और उसी होटल में मैं रुका हूँ वापिस से, जो कि ये वाला रोड है, ये यहाँ से मनाली साइड जाता है और इधर कुल्लू साइड जाता है। तो मैं लगेज वगैरह कंप्लीट कर लिया मैंने, और आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, आज 11 बज चुकी है मुझे यहीं पर। और कोई नहीं, हम लोग देखते जहाँ जहाँ तक भी जा सकते वहाँ तक। तो इस रूट से मैं नाइट में निकला था, तो आपने ये रूट नहीं देखा होगा, इसलिए मैं ये रूट आपको दिखा रहा हूँ, कुल्लू वाला। तो हम लोग आ चुके हैं टनल में, और ये बहुत ही पुरानी टनल है, हमको लाइट ऑन करना पड़ेगा, नहीं ठीक है चल जाएगा। तो ये बहुत ही पुरानी टनल है, अटल टनल से भी बहुत पुरानी, और देख सकते हो यहाँ पर अभी कोई नहीं है, बहुत भीड़ कम है, और हम लोग अकेले ही चल रहे हैं। ये गाड़ी एक आई है, एक सामने जा रही है, और बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पर आके। तो ये हम लोग टनल के दूसरी साइड निकल चुके हैं और वापस हाईवे पे लग गए। ये रूट था गाइस, जो रूट से मैं चला गया था ना, मैं एक बार फिर से दिखा देता। तो गाइस मैंने जो गलत रास्ता लिया था ना, उस रास्ते से मैं यहाँ पर निकला था, और यहाँ से फिर ये टनल के अंदर से फिर गया था। तो ये रूट सही है, ये हाईवे है, कभी भी आओ तो गलती मत करना। देखो ये लिखा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, है ना, वेलकम। ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला काम है इधर, तो प्लीज़ इधर कभी मत जाना। और ये मनाली से नारकंडा वाला रोड है ना, कुफरी वाला, वो रोड यहाँ पर निकलता है, तो प्लीज़ ये रोड से कभी मत जाना, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है आपको, इसलिए ये रूट से आना। बड़ा रूट लो लेकिन सेफ रूट लो। वाओ, ये क्या चीज़ है, होटल है या फिर मंदिर है, कितना प्यार लग रहा है। ओ शिट, ये यहाँ पर देखो क्रेन गिरी हुई है, ये देखो और एक खड़ी है। तो ये देखो डैम, पुल, जो भी आप बोल सकते हो, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देखो पानी कितना ग्रीन है यार, यहाँ का कितना क्लीन है, नीट एंड क्लीन। और ये हम लोग निकल रहे हैं उसी ब्रिज के ऊपर से, या उसी बांध डैम के ऊपर से, और ये इधर ये देखो नदी, पूरा पानी रुका हुआ है, पूरे शायद अभी अभी ही बना हुआ है, या फिर इसका डम्बर का जो वर्क है डामर का, वो अभी हुआ है। ये देखो बुला रहा है, चले इधर से बुला रहा है, इधर से, अच्छा दोनों साइड से। तो गाइस यहाँ पर ये बहुत लंबा जाम लग चुका है, आगे रोड की कटिंग चल रही है, और अभी बज रहे हैं 12:30, और ये 1:30 बजे ख़त्म होगा, तो 1:30 बजे तक काम कंप्लीट होगा। तो अभी हम लोग रुक के कुछ खाते हैं, उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पर अभी 1 घंटा वेट करना है, तो मैंने सोचा कि ये खाना ही खा लेते हैं कुछ, अभी इतनी भूख तो लगी नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी टाइम है तो अपन कुछ कर लेते हैं, और इसलिए मैंने यहाँ पर अभी पराठा ऑर्डर कर दिया है। आ गया है आलू गोभी का पराठा, और ये लगा हुआ है ट्रैफिक, बहुत पीछे से लगा हुआ है ये, और बाइक खड़ी है, तो हम लोग बस यहाँ से अभी खाते हैं, उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे, जब ट्रैफिक खुलेगा फिर हम लोग निकलेंगे। तो ये ट्रैफिक खुल चुका है, और बहुत ट्रैफिक है यहाँ पर, तो अब लोग यहाँ से हम लोग निकलते हैं। ये देखो गाइस इतना ट्रैफिक है यहाँ पर, तो हमारे पास बाइक है इसलिए हम थोड़ा रॉन्ग साइड जाके निकल सकते हैं, जो बड़ी गाड़ी है उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बाकी थोड़ा देख के निकलना, कभी आप ऐसी सिचुएशन में आओ, और तो कभी अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में आओ तो थोड़ा देख के निकलना, जैसे सामने से गाड़ी आ रही है, इनको अपन ने डिपर मार दिया,
डिपर मीन्स लाइट कम ज़्यादा कर दी, बड़ी लाइट छोटी लाइट, और हार्न मारते हुए चलना, ठीक है। देखो ये ट्राले के पीछे क्या लिखा है, पूरा जोर गरीबा दा, सारा खेल नसीबा दा। क्या बात है, सही बोला भाई। लेकिन अगर नसीब का वेट करके बैठे रहे ना तो कुछ नहीं होने वाला, निकलो और खुद करो, अगर करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग आ चुके हैं मंडी, और मंडी से देखो ये रोड यहाँ पर आगे वहाँ पर भी लिखा है पालमपुर और धर्मशाला वगैरह के लिए, ये रोड यहाँ से जाएगा और ये हाईवे है, ये आगे से जाएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं तो मंडी से पालमपुर वाला और धर्मशाला वाला रोड लेता हूँ और हम लोग इसी के थ्रू आगे जाएंगे। अब अपन हाईवे छोड़ रहे हैं क्योंकि अगर हाईवे से अपन जाते हैं तो अपन को देखो आगे से भी एक रूट है, वो भी यही पहाड़ वही बात आ जाएगी, इसलिए अपन जोगिंदर नगर वाला रोड ले रहे हैं, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं क्या हुआ, पूरी गाड़ी घुस गई अंदर, शायद वो उसने ड्रिंक करी हुई थी। और ये रोड है, अभी ये रोड निकलेगा धर्मशाला, और रोड सिंगल मिल रहा है, डबल भी है कहीं के, देखो यहाँ पर जैसे ये रोड अच्छा भी और थोड़ा सा ख़राब भी है। तो अभी यहाँ से पठानकोट है 181 किलोमीटर, पालमपुर 68 किलोमीटर, और ये जो रोड है ना बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ा आ रहा है इस पर राइड करने में। देखो ये सिंगल रोड है और ये सिंगल रोड पे मैं राइड कर रहा हूँ, और ये बोर्ड बहुत पुराना दिखा मुझे तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और ये है राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154। ये रूट पे पेट्रोल पंप आया है तो यहाँ पेट्रोल डलवा लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे, देखते हैं कितना आता है। वैसे तो एक पॉइंट हो चुका है, कार्ड हो जाएगा ना। एक काम करो, फुल कर दो, क्या लीटर चल रहा है, 96 डाल दो। तो यहाँ पर हमने पेट्रोल डलवा लिया है और देखो फुल हो चुका है पेट्रोल अब, और पेट्रोल जो है वो आया है 600 का। और गाइस ये रोड देख सकते हो आप, ये नया नया रोड बना हुआ है और इतनी ब्यूटीफुल जगह पे ये रोड, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर राइड करके, और ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं आ रहे इधर। मैं अपन वैसे पहले की तरह अकेले ही है, अकेले ही घूमने में मज़ा आता है, और रूट में भी अकेले ही है, बहुत कम गाड़ी वगैरह आ रही है। ये बड़े बड़े देवदार के पेड़ है और इनके बीच में से हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, और ये छोटे बच्चे क्या कर रही है, हाय। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ हुआ है शायद, ओह एक्सीडेंट, ये एक और एक्सीडेंट मिला, देखो ये यहीं पर हुआ है, देखो ये कांच वगैरह पड़ा है। तो गाइस राइड सेफ, प्यार से चलाओ, ध्यान से चलाओ, जिंदगी बहुत कीमती है। व्यू देखो, देखो कहाँ पर है, और ये रूट अभी पूरा नीचे ढलान जा रहा, हम पूरा चढ़ चुके, ऐसे 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 पूरा घूम घूम के चढ़े, अब यहाँ से उतरेंगे। और देखो यहाँ से अभी कितना किलोमीटर बता रहा, 4 घंटे का रास्ता और बता रहा पठानकोट का, 163 किलोमीटर। तो अभी हमको जोगिंदर नगर साइड जाना है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, कम टूरिस्ट है लेकिन घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो हम फिर से एक और छोटे से प्यारे से गांव में आ चुके हैं, और देखो ये यहाँ के पुराने घर है, यहाँ के इनके जो कवलू है ना शायद पत्थर वाले हैं, तो वो ऐसे रखे हुए हैं, ये ब्यूटीफुल गुलाब के फूल। और ये खेत देखो आप, ऐसे खेत कहीं देखे आपने, एकदम एकदम वैसे बने हुए, क्या बोल सकते हैं, मतलब जब सीढ़ियाँ रहती ना पेड़ी, उस टाइप से बने हुए, देखो यहाँ से वहाँ तक पूरे खेत ही खेत है, पूरे खेत देखो यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं कहाँ आ गया हूँ मैं, और बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। देखो वो घर छोटा सा कितना प्यारा लग रहा है। चलो यहाँ पर एक दो
फोटो वगैरह कर लेते हैं उसके बाद में निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि व्यू बहुत औसम आ रहा है। और ये यहाँ पर भेड़ बकरी, और ये यहाँ पर हिमाचल की जो मेन खूबसूरती है वो है और यहाँ पर आपको ताज़ी ताज़ी सब्जी फ्रूट्स देखने को मिल जाएंगे। यह गांव आ चुका है जोगिंदर, और अबे हमको यहाँ से जाना है। ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी ठंड है क्योंकि धूप जो है वो काफ़ी देर पहले यहाँ से जा चुकी है। बस थोड़ा सा और फिर हमको यहाँ से राइट लूट लेना पड़ेगा। ये यहाँ पर देखो दुकानें वगैरह लगी हुई है, और ये होता है यहाँ का मेन मार्केट, हिमाचल प्रदेश के जो गांव होते हैं ना बस इस रोड पे ही रहता है। और ये यहाँ रोड खराब आ गया है, ऑफ रोडिंग हो गई है यहाँ पर थोड़ी। अब हाँ नीचे साइड रोड ठीक है, बस ये इतना ही है जो कि बन रहा है, तो बस ये इतना ही रोड है जो कि खराब है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। नगर निगम पालमपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है, और हम लोग पहुंच चुके हैं पालमपुर, और ये पूरा आर्मी एरिया है पूरा पालमपुर। यहाँ बहुत सारी आर्मी की ट्रक्स मुझे क्रॉस हुई, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नो ड्रोन जोन है, यहाँ पे ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते हैं पूरे पालमपुर में। और देखो सामने ऊपर आपको बर्फ की पहाड़ दिखेगी, ये पहाड़ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ है, लेकिन क्या लीन करवा रहा है। देखो सामने चल रही है जावा की बाइक, और बंदा बहुत सही चला रहा है उसको, शायद टेस्ट ड्राइव पे लेके चल रहा है। तो भूख काफ़ी देर से लग रही है मुझे, और मैंने सोचा बस खाना खा लिया जाए, क्योंकि देखो टाइम भी हो चुका है 5:30, अरे शिट, और कुछ ना कुछ नुकसान होते ही रहता है यार, तो चलो कुछ खा लेते हैं। अभी भूख बहुत ज़ोरों से लग रही थी मुझे, और यहाँ पर एक ढाबा मिला मुझे, और यहाँ पर मैंने खाना ऑर्डर किया, तो देखो खाने में क्या क्या है। ये खाने में आप देख सकते हो, ये एक कड़ी, ठीक है, ये कड़ी है, ये दाल, और ये आलू मटर चावल के साथ, और ये इसे, और एक बार व्यू देख लो पीछे का, जो पहाड़ों का हम पीछे छोड़ा है, ये रहा और ये रहा, इन पे बर्फ है पहाड़ों पे। भाई खाना ना बहुत टेस्टी है और बहुत अच्छा है। क्या प्लेट दिया भैया, क्या प्लेट है? 80 रुपये प्लेट है, 80 रुपये प्लेट है, लेकिन बहुत टेस्ट, एकदम पूरा घर वाला टेस्ट आ रहा है, घर की याद आ गई मेरे को तो अब तो बहुत। तभी चलो खाना वाना खाते हैं, पूरा पौष्टिक आहार है, उसके बाद मिलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं खाना खा रहा था, और मुझे कुछ बहुत अच्छे लोग मिले जो फोटो वगैरह उनके साथ हुई, तो मैं वो मिलवा देता हूँ। आपका नाम? संजय सैन। कहाँ से हो आप? मैं कपूरथला पंजाब से। ये पंजाब से। भाई आप? हरियाणा। हरियाणा से। आशु। आशु। आई एम राहुल सैन और नंदू
हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा। तो हरियाणा अगर जाते अपन लोग तो उधर से मिल जाएंगे। तो 1 2 3 हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो बस अभी अपन चाय पीते और यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते। तो गाइस मैंने ले लिया है धर्मशाला में रूम और मैंने ओयो के थ्रू लिया है। तो ये लोकेशन के थ्रू हम लोग जा रहे हैं गूगल भैया के साथ। जी सर, हाँ होटल देखिए यहाँ पर, मैंने होटल बुक करिए यहाँ पर, देखो मैं बताता हूँ। अच्छा पास में ही ना, यहीं पे पीछे जाओ ना, जो नीचे वाली रोड मिलेगी ना, जिससे आप ऊपर को आए, उससे थोड़ा सा आगे जाना, बल्कि बोर्ड ही लगा हुआ रोड पे ही। जो बोर्ड लगा है मेन रोड पे लगा। अच्छा आपने लोकेशन देख ली ना। हाँ, पीछे ही थोड़ा सा ऊपर जाके। अच्छा थैंक यू सो मच। सर जी होटल कंट्री लॉज जाना है। आप इधर से जाओ नीचे, जब रोड टच करोगे थोड़ा सा लेफ्ट जाना, 50 मीटर आगे बोर्ड लगा होगा। ठीक है, तो गाड़ी चल जाएगी ना। हाँ बाइक चल। मैं ढूंढ रहा हूँ, पता मुझे आगे पहुँचा दिया वहाँ से मैप पे, फिर नेविगेशन को थोड़ा गलत ही बताएगा यहाँ। हाँ बस जाना, जैसे रोड टच करोगे ना नीचे, लेफ्ट साइड 50 मीटर से आगे मत जाना। ठीक है।